नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र की कक्षा में। मैं डॉक्टर नवीन पांडे आपके साथ। साथियों, आज हम जानेंगे पंचतत्व के बारे में। इससे पहले पंचतत्व का केवल एक सूक्ष्म सा परिचय दिया था, लेकिन अब ये जानेंगे कि पंचतत्व क्या उपयोगिता है उनकी हमारे जीवन में। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आकाश तत्व की आती है। आकाश तत्व क्या है? ये केवल शब्द मात्र है, इसमें शब्द है केवल, आकाश तत्व में गुंजायमान है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस कमरे में हूँ, और जो ये आवाज़ गूंज रही है ये आकाश तत्व का ही कारण है। तो आकाश केवल शब्द मात्र है, और जो हमें दिख रहा है आभामंडल वो आकाश मात्र है। आकाश के बाद वायु, वायु का होना बहुत आवश्यक है। वायु नहीं होगी तो हम ऐसे वार्तालाप भी नहीं कर सकते हैं। घर में भी आकाश तत्व की मात्रा का होना बहुत आवश्यक है। आकाश हमारे जो कमरा है, जो घर है, उसमें कितनी हाइट पे, हमने कितनी हाइट पे अपने जो फॉल सीलिंग है लास्ट कहाँ तक आ रही है। जिस घर में आकाश तत्व की मात्रा बढ़ी होती है उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को डिप्रेशन कभी नहीं होता है। उस घर में रहने वाले व्यक्ति बहुत सारा काम करते हैं, परंतु उनको लेश मात्र का भी थकावट नहीं होती, लेश मात्र की भी थकावट नहीं होती है उनको। वो क्यों? क्योंकि उनका आकाश तत्व अपने आप में विकसित है। आपने, मैं उदाहरण के साथ आपको एक बात समझाता हूँ। आप कभी भी दिल्ली के लोटस टेम्पल गए होंगे, या कभी भी पुराने जितने भी 700 या 820 शताब्दी के जो मंदिर बने हैं उसमें गए होंगे। जब आप ध्यान में बैठे होंगे तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर ध्यान लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे आकाश तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। फिर हमारे वेद मंत्र इत्यादि वो गुंजायमान होते रहते हैं, परंतु वहाँ पे मुख्य भूमिका आकाश तत्व की होती है। और जहाँ आकाश तत्व की मात्रा बड़ी होती है वहाँ हमारा ये जो शरीर है, ये सर है, सर का ऊपर जो आकाश भाग है वो उसको उचित दूरी मिल जाती है। इसीलिए आजकल के जो घर बन रहे हैं ये आकाश तत्व के विरुद्ध बन रहे हैं। एक तो छोटे हो गए, ऊपर से फॉल सीलिंग भी आ गई, तो वो सारे का सारा क्या है, वो डिप्रेशन का कारण बन रहा है। इसीलिए घर में सारे के सारे, मम्मी, माँ भी डिप्रेशन में, पिता भी डिप्रेशन में, बेटा भी डिप्रेशन में, वो सब डिप्रेशन में चल रहे, क्योंकि आकाश तत्व मिल ही नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार से आकाश तत्व का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। आकाश के बाद वायु। अब हमें नेचर से जो वायु प्राप्त होती है वो हमें एट अ टाइम चाहिए, रात में भी चाहिए, सुबह भी चाहिए। और आजकल के जो कमरे बन रहे हैं वो एसी रूम बन रहे हैं। हमने झरोखे हटा दिए हैं, खिड़कियां बंद कर दी है, बस एक विंडो खुली हुई है जिसमें एसी लगा हुआ है, उसी से हमारे घर में हवा आ रही है। तो एक कृत्रिम हवा हम ले रहे हैं, हम नेचर की हवा नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है और घर को भी स्वस्थ रखना है तो वहाँ पर भी वायु का विशेष महत्व है कि कितना हमें वायु और कहाँ कहाँ से, किस किस स्थान से वायु लेना है। तो वायु का भी एक स्थान हुआ। तो आकाश के बाद वायु, इसके बाद आता है तेज। तेज सूर्य का प्रकाश, एनर्जी सिस्टम जो भी है वो सारा का सारा जो है वो तेज में चले जाएगा। तो तेज में जाने के बाद जो है वो हमारा आकाश तत्व भी सही रहेगा और हमारा वायु तत्व भी सही रहेगी, और उसके बाद तेज तो है ही। इसके बाद आता है जल। जल में ये तीनों के तीनों तत्व समाहित होते हैं, आकाश तत्व भी है, वायु तत्व भी है, तेज भी है, और जल तो है ही। जल रसात्मक के रूप में आ जाता है, तेज हमारा अग्नि के रूप में आ जाती है, वायु हमारे पवन के रूप में, वायु के रूप में, और आकाश हमारा आकाश के रूप में आता है। शब्द मात्राएं, ये जो मात्राएं भी होती हैं, जैसे शब्द इसमें वायु और शब्द स्पर्श है इसमें, तेज में जो है इसको हम देख भी सकते हैं। जैसे एक बार मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दूं, आकाश केवल जो है हमें दृश्यमान होता है, दिखाई, मतलब ऐसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं है आकाश में, केवल दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो आकाश शब्द है इसको अगर हम कहें तो, मैं बोल पा रहा हूँ, जो दूरी है हम सबकी, जो दूरी है एक दूसरे से, अपनी बात को हम संप्रेषण कर रहे हैं, तो आकाश तत्व में ही चल रहा है। वायु तत्व में स्पर्श भी है, स्पर्श भी है और शब्द भी है। स्पर्श जैसे बहुत तेज हवा चली तो हमें महसूस होती है हवा, पर दिखती नहीं है, वो हमें महसूस होती है। तेज ये दृश्यमान भी है, अग्नि हमें दिखाई भी देती है, दृष्टिगोचर भी होती है। तो इसमें अग्नि क्या है, इसको हम स्पर्श भी कर सकते हैं, छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, शब्द भी है इसमें, ठीक है, और पदार्थ के रूप में दृश्यमान भी हो रहा है, तो दृश्य भी है इसमें। फिर जल आता है, जल में स्पर्श है, जल में शब्द भी है, जल में दृश्य भी है, देख भी सकते हैं आप, और एक और तत्व जुड़ जाता है, जल में रस भी है, इसका हम स्वाद भी ले सकते हैं। किस प्रकार का स्वाद जल का होता है उसको भी हम ले सकते हैं। अब आती है हमारी पृथ्वी। दृश्य को हम रूप के रूप में भी ले सकते हैं, इसको हम रूप भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये दृश्य भी लिख सकते हैं रूप।
पृथ्वी आई है हमारी, पृथ्वी में पांचों तत्व विद्यमान होते हैं, इसमें स्पर्श भी है, शब्द भी है और रूप भी है, यहाँ पर मैं रूप ही लिख देता हूँ फिलहाल, दिखती भी है, रस भी है, चखोगे मिट्टी तो उसका अलग अलग स्वाद बनता है, और गंध भी है, गंध कहते हैं सुगंध को, स्मेल, वो पृथ्वी में भी पाई जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जल में गंध नहीं है, जल आप सूंघ करके नहीं बता सकते कि ये जल क्या है और कहाँ का है, तो जल में गंध नहीं है, पृथ्वी में गंध है। आप जब भूमि परीक्षण की बात करेंगे आगे हम, तो भूमि परीक्षण में ये सारी चीजें आएंगी कि किस गंध वाली मिट्टी है, सुगंध वाली है, दुर्गंध वाली है, कौन सी मिट्टी है, वो रस कैसा है उसका, मीठा है, खट्टा है, अम्लक है, या फिर रूप कैसा है उसका, कुरूपा भूमि तो नहीं है, अच्छा रूप वाली है, सुंदर भूमि है, या शब्द कैसा है उसका, मारने पे जब उसको थपकी मारेंगे उस भूमि पे तो कैसा शब्द आता है, गहरा शब्द आता है, गंभीर शब्द आता है, या फिर एक ओछा सा शब्द आता है, या स्पर्श करने से कैसी भूमि है, समतल भूमि, त्रिकोणाकार और थोड़ा सा अपने आप में अशुभ भूमि, जो जिसके लक्षण बताए गए हैं, उबड़ खाबड़ भूमि, इस प्रकार से ये सारे के सारे भूमि के लक्षण हमें यहाँ विद्यमान होते हैं। तो हमारे भीतर भी ये पंच तत्व हैं और पृथ्वी में भी ये पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों को हमारे शरीर के उन पंच तत्वों के साथ हमें समावेश करना है, तो इसी का नाम जो है वो वास्तु है। तो इस कक्षा में हमने जाना पंच तत्वों के बारे में, इसको अधिक से विस्तार में चर्चा हम तब भी करेंगे आगे थोड़ा सा, जब जो है भूमि परीक्षण के बारे में हम वार्तालाप करेंगे आपसे। तो ये अभी पंच तत्वों का इतना परिचय हुआ, तो इस कक्षा में इतना ही। नमस्कार।